कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, कांग्रेस हमेशा देश का अपमान करती आई है, कांग्रेसी अब वैज्ञानिकों का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के कोरोना टीका नहीं लगवाने पर कमल पटेल ने तंज कसते हुए कहा कि पीसी शर्मा को कांग्रेस से फोन आ गया होगा, जिसकी वजह से उन्होंने टीका नहीं लगवाया। ये हमारे वैज्ञानिकों का अपमान है, टीका सबको लगवाना चाहिए जिससे पूरा देश कोरोना मुक्त हो जाए। किसान नेता और किसान कल्याण कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस ने हमेशा देश का अपमान किया है, चाहे वो भारत की पाकिस्तान पर आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक हो, सीए का मामला हो, निर्वाचन आयोग हो या फिर न्यायालय हो। अब कांग्रेस पार्टी ने हमारे देश के वैज्ञानिकों को भी नहीं छोड़ा। कांग्रेस ने वैज्ञानिकों की बनाई कोरोना वैक्सीन को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ये देश और वैज्ञानिकों का अपमान है। उन्होंने कहा, कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा टीका लगवाने पहुंचे थे, लेकिन उनको कांग्रेस पार्टी से फोन आ गया, बिना टीका लगवाए वापस चले गए। इसमें कांग्रेस की दोहरी राजनीति नजर आ रही है। दुर्भाग्य, कांग्रेस पार्टी देश और देश के वैज्ञानिकों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, ये बहुत निंदनीय है। देखिए, एक तो आज मैंने वैक्सीन लगाया, विधानसभा अध्यक्ष ने लगाया, हम सभी नागरिकों से आह्वान करते हैं कि जब भी आपका नंबर आएगा क्रम के अनुसार आप वैक्सीन लगाएं, और इसमें कोई खतरा नहीं है। मैंने वैक्सीन लगाया, मैं दिन भर से बढ़िया हूँ, कोई तकलीफ नहीं हुई, और विधानसभा अध्यक्ष ने लगाया। लेकिन कांग्रेस के पीसी शर्मा जी गए थे वैक्सीन लगवाने, लेकिन शायद उनको कांग्रेस के नेताओं से फोन आ गया होगा, इसलिए उन्होंने लगाया। इसमें भी राजनीति कर रही कांग्रेस, ये दुख की बात है, हम इसकी निंदा करते हैं। देश के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में सबको एक होकर चलना चाहिए। राजनीति जहाँ करना वहाँ करें, लेकिन जहाँ देश हित का मामला हो, कितने वैज्ञानिकों ने मेहनत करके भारत का नाम पूरी दुनिया में गौरवान्वित किया कि भारत ने भी वैक्सीन बना लिया कोरोना का, और उसमें सफलता प्राप्त की। दूसरे देश के छह देशों में हमने भेजी है, वहाँ के लोग लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उसमें भी शंका और प्रश्न करती है। पहले राम जी के उसमें प्रश्न किया था कि राम काल्पनिक थे, पैदा हुए कि नहीं हुए, राम जन्मभूमि के मामले में जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, मतलब सर्जिकल स्ट्राइक की, उसमें भी ये साक्ष्य पूछ मांग रहे थे। और जब वैक्सीन में भी हमने सफलता प्राप्त कर ली है, वैक्सीन बना लिया, कोरोना पे सफलता प्राप्त कर रहे हैं, दुनिया में नाम हो रहा है भारत का, उसके अंदर भी ये प्रश्न कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इनको देश को बदनाम करना, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए बदनाम करने का काम कर रहे हैं, ये गलत है। सरकार सबकी है, मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चल रहे हैं, और आज देश की छवि पूरे दुनिया में बन रही है। लेकिन कांग्रेस खुद तो खत्म हो गई है, लेकिन देश को भी बदनाम करने में पीछे नहीं हट रही, इसलिए कांग्रेस की हालत ये हुई है। अभी भी कांग्रेसियों समझ जाओ, नहीं तो तुम्हारी हालत बिल्कुल और खराब होगी। अभी तुम 425 से 44 पे आ गए हो, अब 44 से 4 भी नहीं रहेंगे। किसानों को लेकर कमल पटेल ने कहा कि हमारी सरकार ने 24,54,000 किसानों को 5,05,051 करोड़ रुपए दिया है। हमने 6 से 7 लाख किसानों को अधिक बीमा दिया है। हमारी बीजेपी की सरकार ने 9,000 करोड़ का बीमा किसानों को मिलेगा। उन्होंने कहा, 15 मार्च से चना मसूर की खरीद शुरू होगी। विधायकों ने और जनता ने कैसा सबक सिखाया इनको, धोखा देने वालों को भयंकर धक्का दिया, जो हमेशा के लिए कांग्रेस खत्म है। कहने का आशय कि मात्र 6,500 करोड़ कुल 6,500 करोड़ का बजट प्रावधान किया, 6,500 करोड़, उसमें भी 200 करोड़ के आसपास तो विज्ञापन में, वो भी हम जाँच करा रहे हैं कितना विज्ञापन दिया। और कमलनाथ जी ने 17 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री बनते से जब पहला दस्तखत किया, वही झूठ पर आधारित, असत्य पर आधारित था, धोखे पर आधारित था। 15 मार्च से पहली बार हम खरीदी शुरू कर रहे हैं चना, सरसों, मसूर की, और उसके कारण किसान को जो समर्थन मूल्य से नीचे बिकता था 3,000, वो अब समर्थन मूल्य से ऊपर बिकने लगेगा। इस प्रकार हजारों करोड़ का किसानों को उसका भी फायदा होगा। इस प्रकार हम 1,00,000 करोड़ से भी अधिक किसानों की जेब में पैसा डालने वाले हैं, जो पहले बिचौलिए में चल जाता था आधा पैसा, व्यापारी उद्योगपति कमाते थे मुट्ठी भर, वो किसान कमाए। यह है सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन, और यह है सुशासन। और हम कहते हैं हम किसान के शुभचिंतक हैं या किसानों की सरकार है, हम पहले किसान हैं बाद में मंत्री हैं, तो हमने करके दिखाया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।